हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंसर्ट ऐप से रिलेटेड। जैसे कि ये हमारे पास ग्रुप्स थे जो पेंडिंग है, और इन ग्रुप्स को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज जो है, आज हम टेबल्स जो स्पार्क लाइन लिंक कमेंट टेक्स्ट सिंबल, इनको थोड़ा सा डीपली कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं डायरेक्ट हमारा जो स्पार्क लाइन ग्रुप है उसमें। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तीन फंक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, लाइन, कॉलम और विन लॉस। इनको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? जैसे ये सबसे पहले हम सेल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला मैंने सेल सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये स्पार्क लाइन शो हो। जैसे ये लाइन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके का पॉपअप मेन्यू हमारे पास शो होगा। और डेटा रेंज, जो जैसे ये इस फर्स्ट रिकॉर्ड को ही मैं डेटा रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। और लोकेशन ये कि कहां पर हम जो है स्पार्क लाइन को शो करेंगे, तो ये M7 हमारे पास ये सेल है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर स्पार्क लाइन शो हो जाएंगी, और उससे रिलेटेड ये टैब भी ओपन होगी है। जैसे अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा, मतलब कि इसमें मार्कर वाली पोजीशन नहीं, जैसे यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये देखो इस तरीके का मार्कर टाइप भी आपको शो हो जाएगा, और यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएगा जो भी आपको स्टाइल चाहिए, जैसे इस तरीके से। और स्पार्क लाइन कलर, जैसे अगर आपने कलर कोई और चेंज करना है लाइन का, तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। जैसे हाई पॉइंट को थोड़ा इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हाई पॉइंट शो हो जाएगा। लो पॉइंट देखो, जो भी हाई पॉइंट है उनको थोड़ा सा इसने बोल्ड कर दिया। इस तरीके से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं। और जैसे सभी रिकॉर्ड्स का हमने चेक करना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हो। तो ये देखो सबके लिए स्पार्क लाइन जो है वो यहाँ पर शो हो गई है। और नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास था नेक्स्ट स्पार्क लाइन में, कॉलम। तो कॉलम में जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी ये सेम, मतलब कि हमसे डेटा रेंज वगैरह मांगेगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा रेंज हमने ये दे दी और लोकेशन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ये इस तरीके से कॉलम में ये हमें शो कर देगा। और यहाँ से आप जो है कोई भी और डिजाइन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, और जैसे इसमें हाई पॉइंट जो है उसको ये थोड़ा सा अलग कलर कर देगा और लो पॉइंट को थोड़ा सा और कलर करे, तो ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये इसने कलर इसको दे दिया, और इसी तरीके से हम इसको भी सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हम मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहीं पर भी इनका शो करवाना है, जैसे लाइंस में शो करवाना है या फिर कॉलम टाइप में शो करवाना है, तो हम स्पार्क लाइंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऑप्शन था विन और लॉस। विन और लॉस में ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे उसी तरीके से डेटा रेंज हमें पहले बोल रहा है, तो डेटा रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसमें क्या होगा, जैसे ये सारे हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही शो होगी, और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव में होगा तो वो हमारे पास नीचे इस तरीके से शो हो जाएगा। तो विन और लॉस इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये देखो अगर नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास है तो वो इसके नीचे में शो होने लग जाएंगे। फिलहाल इसमें ये इसी तरीके से शो होगा सेम एज इट इज, ठीक है। ये देखो ये सेम ही शो हो रहा है क्योंकि ऑल जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स है वो सभी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम जो है स्पार्क लाइंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लिंक्स में। तो पहले हम इनको क्लियर कर देते हैं तीनों को। तो जैसे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और स्पार्क लाइन में जाकर, ये रहा हमारे पास स्पार्क लाइन में जाकर, यहाँ से आप इनको क्लियर कर सकते हो। जैसे ही मैंने इनको क्लियर कर दिया, और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास जो है लिंक। लिंक में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये पॉपअप मेन्यू आएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मतलब कि जो ऑलरेडी आपके पास है अगर आप उसको लिंक में अटैच करना चाहते हो। लिंक सबसे पहले होते क्या है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप गूगल पर सर्च करते हो, तो जैसे ही आप इस एक लिंक पर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वेबसाइट या नेक्स्ट पेज में एंटर कर जाते हो। तो उसी तरीके से इसमें है, जैसे हम कोई किसी भी जा वर्ड को या नंबर पर हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, या नेक्स्ट उसके साथ आप कोई इमेज भी अटैच कर सकते हो, कुछ भी अटैच कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये जो है हमारे पास स्टूडेंट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ओनली स्टूडेंट को, और इस पर हम जो है लिंक अप्लाई करेंगे। ओके, ये इस तरीके से नहीं आएगा। जैसे ये हमारे पास रोहित है, रोहित को मैं सिलेक्ट करके देन उसके बाद लिंक में चलते हैं। तो यहाँ से कुछ भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ से कुछ भी हमारे पास जो ये
इंसर्ट से रिलेटेड कोई पिक्चर है, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो आप चेक करोगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी मतलब कि साथ अंडरलाइन लग गई है और ये कलर में ब्लू हो गया और हैंड भी हमें शो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है जो इससे अटैच थी, ये देखो ये पिक्चर इससे अटैच थी, तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है लिंक को यूज करते हैं। और आप जो है किसी डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट अभी हम इसमें फिर से कुछ और देखते हैं लिंक में, जैसे ये तो एग्जिस्टिंग में था, ये है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट हमारी शीट 12th क्लास है, फिर है शीट 2, शीट 3, शीट 4, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। यहाँ पर आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये देखो हमारे पास जो 12th क्लास थी, यहाँ पर हम एक इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं पहले 12th क्लास के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, और नेक्स्ट हम लिख देते हैं शीट 2, शीट 2, नेक्स्ट हम लिख देते हैं शीट। फिलहाल अभी मैंने इनको रीनेम नहीं किया, जब आप इनको रीनेम करोगे तो आप वो वाले आप जो है उनको चूज कर सकोगे, यहाँ पर शीट 4। जैसे इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया, और इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगी और लिंक में जाएंगे, लिंक में जाकर हम जो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हम जो है 12th क्लास वाले को अटैच कर देते हैं इसके साथ, तो ये लिंक क्रिएट हो गया। और जैसे इसी तरह से सभी को हम अटैच कर देते हैं, जैसे शीट 2 को शीट 2 के साथ अटैच कर दिया, और शीट 3 को शीट 3 के साथ अटैच कर दिया, जैसे ये आप चेक कर सकते हो शीट 3 को शीट 3 के साथ अटैच किया, और शीट 4 को शीट 4 के साथ हमने अटैच कर दिया इस तरीके से, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास लिंक्स बन गए, जैसे अभी हम 12th क्लास में हैं। अगर हम डायरेक्ट, वैसे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये लिंक्स जो है अगर हमने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है तो हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने शीट 3 पर डायरेक्ट जाना है, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये देखो शीट 3 पर हम पहुंच गए हैं। और ये देखो फिर से अगर हमने शीट 4 पर जाना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम शीट 4 पर पहुंच जाएंगे। तो हम इस तरीके से इनको यूज करते हैं। तो ये देखो 12th क्लास अभी हम इसमें ही है, शीट 2 में हमने जाना है तो शीट 2 में यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इन लिंक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक सेकेंड, जैसे हम चाहते हैं कि जो ये हमारे पास अमन है इसमें लिंक क्रिएट हो जाए, और इसमें हमारे पास क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट, एक नई एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसको आप नेम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर हम नेम दे देते हैं कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं BCA, MCA, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। मैं ये फिलहाल BCA लिख देती हूँ, जो मेरा न्यू डॉक्यूमेंट होगा। और टेक्स्ट जो है जिस पर डिस्प्ले होगा वो, ये हमने अमन को सिलेक्ट किया था तो ये वाला हमें शो कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको इस तरीके से ओके करेंगे, तो ये आप चेक करोगे कि वीडियो एक्सेल, ये आप चेक कर सकते हो कहाँ पर गया, एक सेकेंड, ये देखो ये BCA वाला नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है और ये उसी पर क्रिएट हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अमन पर, तो जो हमारा नया डॉक्यूमेंट था, ये देखो BCA का नेम था और ये हमारे पास ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है लिंक्स को यूज करते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा इसको डीपली और देखना है, तो इससे रिलेटेड जो है मैंने वर्ड में लिंक से रिलेटेड मतलब कि एक वीडियो क्रिएट की थी, जिससे आप और भी अच्छे से चेक कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट। कमेंट क्या होता है, जैसे अगर हमने कमेंट ऐड करना, मान लो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट स्कोर जैसे किसके शो हो रहे हैं आपको, जैसे ये देख सकते हो आप 76। फिलहाल अभी हम करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सम का, तो हमें पता चल जाएगा सबसे हाईएस्ट किसके स्कोर हैं। तो जैसे ये देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमने इनको सिलेक्ट किया, और फिर हम जो है इसको कॉपी कर देते हैं फॉर्मूला को, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, देन यहाँ से आप इसको कॉपी कर दो। अभी आप चेक करो कि इसमें हाईएस्ट जो है वो कौन सा हमारे पास है, 401, ओके। तो ये वाला हमारा जो है मनप्रीत जो स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो हम इसके साथ कमेंट ऐड करना चाहते हैं कि ये वाला स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके हाईएस्ट स्कोर है। तो जैसे ही आप कमेंट पर क्लिक करोगे, तो ये जसप्रीत कौर, तो ये मेरा जो एक्सेल का है, तो वो वाला नेम शो रहा है। फिलहाल अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंटेलिजेंट
स्टूडेंट, ठीक है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कमेंट्स में जो आपकी इच्छा है। तो इसमें यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो गया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और जैसे ही आप कहीं और पर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो इसके राइट टॉप कॉर्नर में ये इस तरीके से शो हो गया। और जब भी आप मनप्रीत पर इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से शो करेगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये पर डिलीट थ्रेड है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो। और रिजॉल्व, जैसे ही आप रिजॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से ये शो होगा। और जैसे ही अब आप इस पर जाओगे तो ये रिजॉल्व टाइप इस तरीके से शो होगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कमेंट्स किसी पर भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है। सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये है कि अगर आपने कहीं पर कुछ भी लिखना है अलग से, जैसे कुछ भी एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पर लिख देती हूँ तो वो यहाँ पर साइड में शो होगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे ये आ गया फ्यूचर केयर एजुकेशन, इसको जैसे आप यहाँ पर होम में जाकर बोल्ड कर दो, ठीक है। इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर दो इस तरीके से। जैसे भी आपको चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो। और आप इसको मूव भी कर सकते हो जहां पर भी आपने इसको लेकर जाना है। जैसे ये देखो इस तरीके से हम इसको इजिली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको लेकर जा सकते हो एक्सेल में। तो ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप चेक कर सकते हो, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो है ये पेज पर हमारे पास शो होगा। जैसे ये वाला हमारे पास रिकॉर्ड है, तो पहले मैं आपको इस तरीके से सिंपली शो करके दिखाती हूँ कि ये प्रिंट में किस तरीके से शो होगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई हेडर कोई फुटर नहीं है और ये हाफ टेबल हिंदी तक ही आ रहा है। हम पहले इसको पूरे को, ये देखो एच तक ही हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक सिलेक्ट करके। तो मैं इसको कर देती हूँ कट और हम यहाँ पर स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, मर्च वाला के लिए प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज ये ठीक है। इसको हम फिर से मर्च कर देते हैं पूरे को। यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन था मर्च वाला, यहाँ से तो हमने इसको मर्ज कर दिया। तो ये आप चेक कर सकते हो, अभी हमारे पास इस तरीके से ये शो हो रहा है। और इसका भी जो हमारे पास ये इसकी साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमें शो होने लग गया। अभी हम फिर से दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड शो होने लग गया है। तो ये अभी हम देख लेते हैं कि हेडर फुटर किस तरीके से इसमें ऐड होगा। तो जैसे ही हम इंसर्ट में जाकर इसमें क्लिक करेंगे हेडर फुटर में, तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम हेडर में क्या लिखना चाहते हैं, तो ऐड हेडर जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैं चैनल का नेम लिख देती हूँ जो कि हमारे पास हेडर में शो हो। तो ये देखो मैंने लिख दिया फ्यूचर केयर एजुकेशन। तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास शो होने लग गया है। और मे बी ये वाला हमारे पास फुटर हो के, नहीं फुटर नहीं है। तो अभी हम फिर से चेक करते हैं। तो जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास हेडर में शो हो गया फ्यूचर केयर एजुकेशन। तो आप जो है इनमें भी हेडर फुटर वगैरह ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास था इंसर्ट में टेक्स्ट में वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर पहले हम चलते हैं और वर्ड आर्ट को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास, ये भी इस तरीके से है। ये टेक्स्ट बॉक्स था ओनली, और ये हमारे पास ये देखो इसमें ये मतलब कि जो भी इसमें बैक साइड में एरिया होगा वो सारा व्हाइट होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें भी मैं अभी हमारे चैनल का नेम लिख देती हूँ, तो जैसे ये लिखा हमने फ्यूचर केयर एजुकेशन, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो ये लिख दिया फ्यूचर केयर एजुकेशन। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप ग्लो वगैरह 3D रोटेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आप यहाँ से ऑप्शन वगैरह, ये देखो ये इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हो इजिली। जैसे ये आपने शो करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप इनको अप्लाई कर सकते हो इजिली। तो ये हमारे पास इंसर्ट में था, तो ये हम वर्ड आर्ट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के लिए हम क्या, अगर हमने कहीं पर सिग्नेचर लाइन को ऐड करना है तो आप यहां से यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर मान लो मेरा नेम, मान लो नहीं, मेरा नेम जसप्रीत कौर ही है। जैसे मैंने लिखा जसप्रीत कौर, और देन नेक्स्ट में हमने लिख लिया, जैसे मान लो मैंने लिखा टीचर,
जटियूटर जो भी आप लिखना चाहते हो। और नेक्स्ट में मैंने मेल आईडी वगैरह ऐड कर दी, जैसे ये मेरी आईडी है मेल आईडी, तो मैंने ये ऐड की। और ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर ओके। ओके करोगे तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन आ गई है। आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये आपका नेम आ जाएगा और आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर मैं इसको लेकर आती हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। और अभी हम प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं, तो ये देखो इस तरीके से ये सिग्नेचर लाइन शो होने लग गई है। आप पेज के लास्ट में या कहीं पर भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, कोई जैसे चार्ट हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, और कोई भी जैसे पावर पॉइंट वगैरह का भी यहाँ पर आ सकता है, स्लाइड कोई भी हो सकती है, किसी भी चीज को आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हो एज अ हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये अभी हम लेकर आते हैं, जैसे ये पावर पॉइंट स्लाइड्स है, कोई भी पावर पॉइंट स्लाइड आप जो है इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और जैसे आपने पावर पॉइंट का वर्क करना है तो आप यहाँ पर उसको इजीली कर सकते हो। तो ये देखो ये सभी पावर पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर शो हो गया है, तो आप पावर पॉइंट को यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आपने उसको क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्टेस टेक्स्ट से रिलेटेड। और नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल। सिंबल में हमारे पास है इक्वेशन एंड सिंबल। सिंबल सबसे पहले, अगर जैसे आपके कीबोर्ड में आपको जो सिंबल आपको कीबोर्ड से नहीं मिलेगा तो वो सिंबल आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको डॉलर वगैरह का सिंबल तो मिल जाएगा, वैसे यूरो वगैरह का, जैसे पाई, अल्फा, बीटा, सिग्मा, तो ये वाले सिंबल्स हैं जो ये आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो ये रहा पाई, इसको आप इंसर्ट करोगे, कहाँ पर इंसर्ट हो गया फिलहाल, ये देखो यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया, यहाँ पर भी आप इंसर्ट करोगे। उससे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लो कि आप किसमें उसको इंसर्ट करना चाहते हो, कि ये हमारे पास वो था तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें जिनको आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा। जैसे ये देखो ये वाला हमारे पास सिंबल है पॉन्ड का, तो इसको आप इंसर्ट करो तो ये वाला इंसर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स हैं जिनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास जैसे ये मैथ से रिलेटेड इक्वेशंस हैं, तो ये मैथ से रिलेटेड इक्वेशंस हैं, इनको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और इनको मैंने जो है वर्ड में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक पूरी वीडियो जो है इनसे रिलेटेड ही है। हमारे पास सिंबल से रिलेटेड इक्वेशन और सिंबल, हम किस तरीके से इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखो अगर हम आपने डायरेक्ट आपको चाहिए एरिया ऑफ सर्कल और थोड़ी सी, तो यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट ही उनको ऐड करवा सकते हो। जैसे ये आ गई, और आपने खुद क्रिएट करना है तो उसके लिए आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको आप उसमें मतलब इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है टेबल्स। टेबल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे ये देखो फिलहाल अभी हमने सिर्फ इसमें टाइप किया है, तो इसको टेबल में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं सिलेक्ट करके जो है इस साइड लेकर आती हूँ, कट करके हम इसको कर देते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अभी पहले मैं आपको प्रिंट प्रिव्यू में शो करती हूँ कि ये किस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो आप चेक करोगे यहाँ पर ये इस तरीके से शो होगा। तो अगर आप इसको टेबल क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप इसमें जो है ये अलग अलग सेल्स आप शो करना चाहते हो, तो या तो आप बॉर्डर ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ से होम में से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। और या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे इंसर्ट में ये टेबल आप इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सभी को सिलेक्ट किया, आप हेडर के साथ सिलेक्ट करना, जैसे सबसे पहले हेडर आपका सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है आप सारा जो अपना डेटा है उसको सिलेक्ट करोगे, देन टेबल पर क्लिक करके अगर आप टेबल में क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपको शो होगा कि ये देखो ये सारा टेबल हमारे पास मतलब कि शो सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप जो है इसको टिक रखोगे, माय टेबल हैज हेडर, और ओके कर दोगे। और इसका शॉर्टकट भी है, जैसे ये कंट्रोल टी भी हम कर सकते हैं, जैसे ये मैं अभी इसको वो करके कंट्रोल के साथ टी प्रेस करके दिखाती हूँ, तो ये देखो इस तरीके से ये भी फिर भी आ जाएगा। और इसको हम कर देते हैं ओके, तो ये देखो ये हमारे पास अभी टेबल शो हो गया। तो अभी पहले तो आप प्रिंट प्रीव्यू में इसको चेक करो कि ये किस तरीके का शो हो रहा है। तो ये देखो अभी ये टेबल की फॉर्म में यहाँ पर शो होने लग गया है। और यहाँ पर जो है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो टेबल डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारा जो है आपको शो होने लग जाएगा। यहाँ से आप जो है कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो।
जैसे ये देखो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स है, जो भी आपने स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए यहाँ से, जैसे ये फिल्टर बटन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, लेकिन हम इसको रखते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉलम आपको थोड़ा सा इस तरीके का चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो। हेडर रो आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको टोटल रो चाहिए अलग से तो ये देखो अलग से टोटल रो भी यहाँ पर शो होने लग गई है। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल, और यहाँ से ये हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है, और इसको ये मैंने तभी पहले नहीं बताया इसको, जो ये हमारे पास फिल्टर था यहाँ पर, ये स्लाइसर हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने किसी को टेबल क्रिएट किया होगा। जैसे अभी मैंने इसको टेबल क्रिएट कर दिया तो अभी हम जो है स्लाइसर यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखो अभी तो ये हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके, इस तरीके से सिलेक्ट करके हम जो है स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इस तरीके का हमारे पास ये पूछ रहा है कि किस किस का आपने स्लाइसर क्रिएट करना है। जैसे ये देखो नेम का हमने क्रिएट करना है, जैसे साइंस का करना है और मैथ का करना है, ठीक है। अगर आपने सभी का करना है तो सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये स्लाइसर शो हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये बस फिल्टर करने के लिए है कि आपने जो है किसी चीज को फिल्टर करना हो। जैसे ये देखो हमने जो है हीना का पर रिजल्ट चेक करना है तो यहाँ पर हीना के साइंस और मैथ के जो है उनको एक्टिव कर देगा, बाकी को थोड़ा सा ये इस तरीके के कर देगा। देखो हीना के 45 साइंस में है और मैथ में 67 है, और यहाँ पर हीना का पूरा रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा अंडू कर देती हूँ, फिर से आपको बताती हूँ। अगर हमने चेक करना है कि 66 मैथ में किसके स्कोर है तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो ये शो कर देगा कि नूर जो है उसकी 66 जो है मैथ में और 55 साइंस में है। तो इस तरीके से हम जो है स्लाइसर्स को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्लाइसर जो है इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से इनको अंडन ही कर देते हैं। तो ये था हम इस तरीके से जो है टेबल को यूज कर सकते हैं, और इनका जो है हम स्लाइसर में यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है, जैसे अगर हमने पर्टिकुलर किसी थोड़े से स्टूडेंट्स की जो है रिपोर्ट रेडी करनी है, जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की रिपोर्ट रेडी करनी है, तो हम जो है जब भी हमने रिपोर्ट रेडी करनी है तो हम पाइवट टेबल को यूज करते हैं। तो उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप बाद में भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और देन पाइवट टेबल पर हम क्लिक करेंगे। एक तो ये पूछ रहा है कि फ्रॉम टेबल और रेंज, हम जो है रेंज से इसी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। तो हमने टेबल 3 जो है इसका नेम टेबल 3 है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। हम जो है न्यू वर्कशीट में हमारी रिपोर्ट रेडी करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग में, मैं इसी पर क्लिक करूंगी और लोकेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं पाइवट टेबल जो है यहाँ से देखना चाहती हूँ इसी शीट में। अगर आप नई वर्कशीट में करना चाहते तो आप यहां से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हमने ये देखो इस तरीके से किया तो ये आपको शो कर देगा। देखो यहाँ से मैंने लोकेशन चेक की थी तो यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट रेडी कर देगा। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे पहले तो हमने नेम, यहाँ पर ये देखो सभी के नेम यहाँ पर शो होने लग गए हैं। और फिर आपने जो है यहाँ पर जो है जैसे हिंदी के स्कोर, तो ये देखो सभी स्टूडेंट का एक हिंदी का रिकॉर्ड ओनली ये यहाँ पर शो होने लग गया है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल भी साथ में ही हमें शो करता है। और यहाँ पर ये जो है वैल्यूज, यहाँ पर जैसे अगर आप किसी का सम करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये पंजाबी को हमने इंसर्ट किया तो जिन जिन का आपने जो सम ऐड करवाना है तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारी रिपोर्ट वगैरह रेडी कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। तो ये थे हमारे पास मतलब कि जो इंसर्ट में टेबल्स था, तो उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं।